हेलो एंड वेलकम टू ऑल। ये जो वीडियो आपके सामने आने वाला है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जो ये कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन वो नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं झील के अंदर झील कहाँ पाई जाती है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे ऊंची राजधानी, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, नगर मैं पूछ रहा हूँ पूरे विश्व में, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, है ना, हम आपको 15 से 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो बड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं पूरे विश्व के और भारत के जीके के, जनरल नॉलेज के, ठीक है ना। इस जीके को हल्के मत लीजिएगा और पूरा ये देखिएगा, पूरा अगर आपको आता है फिर भी आप रिपीट कीजिएगा इसको, ठीक है सर। चलिए, ये सर लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर, मैं नगर पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा नगर, देखो फंस गया ना आंसर यहां पे, सबसे बड़ा नगर लंदन। सबसे बड़ा देश सबको पता है, रशिया। सबसे छोटा देश, यहां पर थोड़ा सा हल्का सा घबराहट हुई, वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, चाइना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, अब यहां पे क्वेश्चन फंसना फिर से शुरू होगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो आंसर क्या होगा, सिंगापुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश, मंगोलिया। सर्वाधिक आबादी वाला नगर, सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछ रहा हूं मैं यहां पे, आंसर है जापान की राजधानी टोक्यो। न्यूनतम आबादी वाला नगर, न्यूनतम आबादी वाला नगर, तो सबसे छोटा होगा देश, है ना, वही न्यूनतम आबादी में होगा, वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, कनाडा। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश, जिब्राल्टर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, आंसर है टिटिकाका। क्या है, टिटिकाका। तो मैंने आपको आंसर बताया, अब मैं लिख रहा हूं, आप बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप, आंसर बताइए अपने मन में, सो आंसर इज एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा और गहरा महासागर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा नगर, लंदन, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा देश, रूस या रशिया। सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो आंसर है चाइना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, आंसर है सिंगापुर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश, आंसर है मंगोलिया, मंगोलिया। सर्वाधिक आबादी वाला नगर, टोक्यो, जापान। न्यूनतम आबादी वाला नगर, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, कनाडा या कनाडा। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश, जिब्राल्टर। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश, जिब्राल्टर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, आंसर है टिटिकाका, टिटिकाका, ठीक है ना। तो झील से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, झील से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, इन पर चर्चा तो बाद में करेंगे। तो पहले आपको ये याद हो गया है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका, सबसे छोटी सीमा जिब्राल्टर, लंबी सीमा कनाडा, न्यूनतम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी, सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, बड़ा देश रशिया, सबसे बड़ा नगर लंदन, महासागर प्रशांत, महाद्वीप छोटा ऑस्ट्रेलिया, बड़ा महाद्वीप एशिया। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं इसको अब रफ करूंगा और इससे और भी क्वेश्चन बनाएंगे। टोटल कम से कम 50 क्वेश्चन तो यहां पर हम लोग हल करेंगे करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। तो अब मैं थोड़ा सा झील से क्वेश्चन बनाऊंगा, चलिए हम थोड़े से झील से क्वेश्चन हो जाए। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका, टिटिकाका।
तो अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अगर मैं आपसे आप पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आंसर क्या बताएंगे आप लोग। अगला मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आप आंसर क्या बताएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे गहरी झील तो आंसर क्या बताया जाएगा। अगला भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आंसर क्या होगा। और भारत में किस झील से सर्वाधिक नमक प्राप्त होता है। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपसे देखो और पूछ लिए, ठीक है ना। तो झील से तो आंसर आप बताएंगे तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या होगी, तो आंसर है सुपीरियर। आंसर क्या है भैया? सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? सुपीरियर। अगला क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या हो गई? कैस्पियन सागर। क्या हो गया भैया? कैस्पियन सागर। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील तो हो गई बैकाल, रशिया में है बैकाल झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील आंसर चिल्का लैगून मतलब उड़ीसा। भारत में किस झील से सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है, तो आंसर है सांभर राजस्थान। चिल्का मत लगाइएगा, सांभर राजस्थान याद रखेंगे ना। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, भारत में किस झील में सर्वाधिक नमक निकलता है, तो आंसर है सांभर राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, रशिया। ठीक है ना, इतनी बात को बात समझ में आ रही है। कजाकिस्तान और अमेरिका, इतने कोई दिक्कत है आपको? तो हमने इस वाली स्लाइड से झील वाले क्वेश्चन करने की कोशिश की। अब इधर आते हैं, फिर इधर आने के बाद हम लोग और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहे थे हमको, अब धीमे धीमे आ जाएंगे। चलिए रफ कर देते हैं इतना वाला पार्ट, अब हम लोग उधर वाले पार्ट से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे आप देख सकते हैं, तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश है आंसर कनाडा, सबसे छोटी सीमा बनाने वाले देश है आंसर जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जिसने सबसे लंबी सीमा तो बना रखी सबसे ज्यादा देशों के साथ, तो आंसर है चाइना। आंसर है चाइना, 13 देशों के साथ इसकी सीमा बनी हुई है। कितने देशों के साथ? 13 देशों के साथ। सबसे बड़ा द्वीप डेनमार्क के अंडर में है, ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप हो गया अरब। सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो हो गया अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह या सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप समूह, इनका आंसर है इंडोनेशिया। राजधानी है जकार्ता। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा भारत में ही है, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहयोग से बनता है। सबसे लंबी नदी तो आप सबको पता है मिस्र की है नील नदी। सबसे बड़ी और चौड़ी नदी आंसर है अमेजन। सबसे छोटी नदी डी नदी कहां पर है? अमेरिका में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीनी सागर आप हमें सुन भी रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा उपसागर तो आंसर है हडसन।
क्या आंसर है? हजसन उपसागर। सबसे विशाल खाड़ी या सबसे बड़ी खाड़ी, तो आंसर है मैक्सिको, मैक्सिको की गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी। अगला, सबसे लंबी सहायक नदी, इसने फंसा दिया, सबसे लंबी सहायक नदी मेरिडो, मेरिडो ये किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? मेरिडो अमेजन की है, ठीक है ना। तो मेरिडो सबसे लंबी सहायक नदी है, है ना, और किसकी है? अमेजन की है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, इससे चलो क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आंसर है सॉल्टो एंजिल जलप्रपात, आंसर है एंजिल जलप्रपात, जो कि कैरोना नदी पर है वेनेजुएला में। कैरोना नदी पर कहां पर है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, ठीक है ना। आप लिखा है झील के अंदर झील, तो झील के अंदर झील कहां पर है? मैनिटू या मैनिटू, कनाडा। तो झील के अंदर झील कहां पर हो गई? मैनिटू या कनाडा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने आंसर, सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला एंजिल जलप्रपात, कहाँ पर है? कैरोना नदी पर है वेनेजुएला में, झील के अंदर झील मैनिटू कनाडा। अब इसी में हम थोड़ा सा और बताते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल, आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा हो गया तो आप पूछेंगे सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात। कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं, है ना, ज्वालामुखी से क्वेश्चन बना है यहाँ पर, नहीं बना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, एक क्वेश्चन और, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात या झरना वाटरफॉल है कहां पर? ग्वायरा, पराना नदी पर बना हुआ है। सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा, किस नदी पर बना है? पराना नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा हो गया? सबसे चौड़ा है खोन, कहां पर है? लाओस में है। खून जलप्रपात कहां पर है? तो आंसर है लाओस, लाओस में है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजोस, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। अगर ये पूछा जाए कि ओजोस डेल सलाडो कहां पर है, तो ओजोस डेल सलाडो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। अगर यही मैं पूछ दूँ सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आंसर है मोना लोआ, मोना लोआ। अरे मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आंसर है हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का अग्नि चौराहा, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। हवाई द्वीप में दो आपको याद रखने ज्वालामुखी, एक तो है किलायू और एक है मोना लोआ। तो हवाई द्वीप में दो ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, और एक और याद रखना है किलायू। और जो हवाई द्वीप है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हवाई द्वीप जो है वो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मैं अब बार बार ऐसे क्वेश्चन बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जीके ही क्वेश्चन है, आपको बस जीके की तरीके से इसको बस वन बाय वन करके याद कर लेना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात सॉल्ट एंजिल, कैरोना नदी पर वेनेजुएला, झील के अंदर झील मैनिटू, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप में है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर है, सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन है, और सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा है, ठीक है ना। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी पर, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र सहयोग से पश्चिम बंगाल भारत में, सबसे लंबी नदी नील, सबसे बड़ी या चौड़ी नदी अमेजन, सबसे छोटी नदी डी, सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीनी सागर,
सबसे बड़ा उपसागर हजसन, सबसे विशाल खाड़ी मेक्सिको, सबसे लंबी सहायक नदी मेरिडो, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल और सब झील के अंदर झील मैनिटू कनाडा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। रफ करता हूँ, सबसे ऊंचा नगर, सबसे ऊंची राजधानी, दुनिया की छत, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन और पूछेंगे और हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेंगे। और इन 50 क्वेश्चन को जब भी पेपर देने जाएंगे तो 15 मिनट, जब भी पेपर देने जाएं तो 15 मिनट पहले इसको जरूर देखें, ठीक है। हालांकि आपको आता है, हम जान रहे हैं आप लोग होशियार हैं, फिर भी ठीक है। तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सबको पता है, माउंट एवरेस्ट 8848, है ना। कभी कभी ये बढ़ जाता है, 8850 भी हो जाता है। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल के लोग इसको दो नाम से जानते हैं, सागर माथा और चोमू लुंगमा के नाम से जानते हैं। चलिए, इतना नहीं पढ़ते हैं, जीके टाइप से देखते हैं हम लोग। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो गया, अब है सबसे ऊंची पर्वतमाला सबको पता है, तिथि सागर के निर्माण से हुआ है, आंसर है हिमालय। अगला, सबसे लंबी पर्वतमाला तो सबको पता है एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा नगर तो तिब्बत में है वेंचुआन। सबसे ऊंचा नगर तो तिब्बत का है क्या, वेंचुआन। अगर मैं सिंपल लिख दूं, सबसे ऊंची राजधानी तो हो जाएगी लापाज। क्या हो जाएगी, लापाज। और ये लापाज कहाँ पड़ता है, बोलीविया में। और बोलीविया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, टिन के भंडारण सबसे ज़्यादा है बोलीविया में, है ना। दिल है कि मानता नहीं, मैंने फिर बता दिया आपको। हालांकि आपको जीके याद रखनी है, सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया किसके लिए प्रसिद्ध है, टिन के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, इतनी आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं फिर इसको पढ़ के बताता हूँ, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन, सबसे ऊंची राजधानी लापाज, सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का पूछ रहे हैं, तो सबको पता है सहारा अफ्रीका का है। अगर मैं कह दूं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अगर मैं यहीं पर एशिया लिख दूं तो आंसर हो जाएगा गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, मंगोलिया में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आपको एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया एशिया का हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे गर्म स्थान बताइए, एशिया का सबसे गर्म स्थान बताइए और एशिया का सबसे ठंडा स्थान बताइए, ठीक है ना। ये चार क्वेश्चन है, तो जल्दी सोचिए मन में, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान एशिया का सबसे गर्म स्थान और एशिया का सबसे ठंडा स्थान, लिखता हूं पहले यहां पर मैं, विश्व का सबसे गर्म स्थान, अगला एशिया का सबसे गर्म स्थान, अब मैं लिखूं यहां पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान, और अब है एशिया का सबसे ठंडा स्थान, एक और बात, दुनिया की छत, इसका आंसर सबको पता है पामीर का पठार,
पामीर का पठार, इसको सब कुछ पता है। चलिए बताइए विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आंसर है लीबिया का अल अजीजिया। लीबिया का अल अजीजिया ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थान है पाकिस्तान का जैकोबाबाद। पाकिस्तान का जैकोबाबाद। विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप का, अंटार्कटिका महाद्वीप का वोस्टॉक स्टेशन, वोस्टॉक स्टेशन। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क कौन सा है? बर्खोयास्क कहाँ पर है? ये रशिया। ठीक है, तो ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एशिया का सबसे गर्म स्थान, एशिया का सबसे ठंडा स्थान, दुनिया की छत। अब मैं आपसे तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई है, मैं यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछूंगा। और आप ये मत समझिएगा कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे जब आंसर देते हैं तो मैं उनका नाम देख लेता हूँ। जैसे विभांशु नाम के एक सर हैं, है ना, वो हमेशा आंसर देते हैं। एक सोनू गुप्ता नाम के सर हैं, वो हमेशा आंसर देते हैं, ठीक है ना। एक पंकज मौर्य हैं, वो हमेशा, पंकज कुमार हैं, और एक कोई मौर्य साहब हैं, वो हमेशा आंसर देते हैं। तो अगर मैं आपका नाम याद कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मुझे इंटेलिजेंट बच्चों की ही तलाश है। अभी मैं कुछ समय के बाद, है ना, उनसे संपर्क करूँ।